दोस्तों, हम अपनी लाइफ में रोज एक चीज़ का यूज़ करते हैं बाय एंड लार्ज। अगर हम बात करें मेट्रो की तो 100% एक दिन में एक बार तो हम जरूर यूज़ करते हैं। वो होता है या तो एलिवेटर, लिफ्ट या सीढ़ियाँ। और मज़े की बात यह है कि वही हमें ऊपर लेकर जाती हैं और वही हमें नीचे लेकर आती हैं। और अगर हम उस पर गिर गए तो हमारे हाथ पैर तोड़ के बिठा भी देती हैं। ऑन अ लाइटर नोट, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, पॉडकास्टर हूँ। बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की ओनली ऑन क्लिक इंडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पर यू नो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस यूथ एंड ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज इन द परसेप्शन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज। एंड आज जो है मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। वो मुद्दा इसलिए सरफेस हुआ है बिकॉज पिछले कुछ दिनों कई सारे यू नो लाइक कनेक्ट्स ऐसे हुए हैं जो ऑडियंसेस हैं, उन्होंने कुछ मैसेज करे हैं, अपने सवाल पूछे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आज उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अगर हम जैसे बात करते हैं सीढ़ियों का, मैंने एग्जांपल दिया था, वो सीढ़ियों का एग्जांपल क्यों दिया था, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अच्छी हैं तो जीवन अच्छा है, और नॉट सो अच्छी हैं तो जीवन नॉट सो अच्छा है। और एक चीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप, आपके संबंध। एंड वैसे तो देखिए ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो है आपने कुछ पढ़ लिया या आपको कहीं पढ़ा दिया गया, आपको सिखा दिया गया। बड़े बड़े कल्चर्ड फैमिलीज़ में भी ये सारी चीज़ें देखी गई, रिलेशंस बिगड़ते हैं, कम्युनिकेशंस ख़राब होते हैं, एंड दैट इज़ फाइन। हमको ये ध्यान देना है कि हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें और कैसे इन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए चलें। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज अगर मैं संतुष्ट हूँ, आज अगर मैं खुश हूँ तो हमेशा खुश रहूँगा। इट्स लाइक वो बोलते ना कि फिल्मों में देखा है, जब सीधी लाइन होती है ना तभी आदमी डेड होता है। चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज ऊपर है कल नीचे, ऊपर है नीचे, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलेगा, सीधी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम कामना ऐसी करते हैं सब जो है हमेशा एक जैसा अच्छा हो। मंदिर में जब हाथ जुड़ते हैं, मस्जिद में जब सजदा करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारा जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए। बट ठीक है, दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ। नाउ कमिंग बैक टू रिलेशनशिप, देखिए वैसे तो जैसा कि मैंने पहले ही एपिसोड में बताया था कि हमारी लाइफ जो है यूज़र मैनुअल के साथ तो आती नहीं है, और हम सब जो है सीखते ही हैं। भाई अगर मैं ट्रांसपोर्टर का बच्चा हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस समझ में आएगा, मैं अगर एक्टर का बच्चा हूँ तो मुझे एक्टिंग समझ में आएगा, अगर मैं इंजीनियर का बच्चा हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग समझ में आएगी, डॉक्टर का बच्चा हूँ तो मुझे मेडिकल समझ में आएगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। नहीं नाउ कुछ एक चीज़ें जो होती हैं ना हमको समझनी होती हैं अपने आप से। एक तो एटमॉस्फेयर हमारा सिखा देता है हमें, दूसरा हमारी चाहत और हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की, अपने आप को या यू नो देश के लिए कुछ करने की जो काबिलियत होती है, चाहत होती है, वो हमें सिखाती है। और इसलिए जब भी आप देखेंगे ना, कई बार मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए, अरे मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग में जाने से पहले तो ये ऐसा नहीं करता था, वैसा नहीं करता था, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, भिंडी नहीं खाता था, अभी तो लौकी भी खाने लगा है आने के बाद। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि माहौल बदल जाता है। एंड तब भी मतलब यू नो लाइक व्हेन यू गेट इन टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्डेड सराउंडिंग, आपका ट्रांसफॉर्म होना निश्चित है। लेकिन जिंदगी का क्या करें बाबू, ये तो किसी एक चीज में बदलती नहीं है ना। आज यहां हो, कल वहां हो, कल वहां हो, कल वहां हो, और फिर जो है तो गोला है बिल्कुल बड़ा सा। तो उसमें क्या करें, उसमें देखिए दो तीन चीजें हैं जब तक हम खुद नहीं सीखते हैं। भाई अगर मैं मिड एज की बात करूं, अगर मान लीजिए कि हम 80 साल जीते हैं या 100 साल जीते हैं, या पकड़ लीजिए कि 80 साल जीते हैं, तो मिड लाइफ जो होती है वो होती है 40 के आसपास की, राइट, अगर मेरा गणित सही है तो ना। वो एक समय होता है बाई द टाइम हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं। और वैसे तो अमूमन बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन वो एक टाइम होता है जब तक दिल जो है ना बड़ा जिद्दी हो जाता है, फिर हम नई चीज़ें जो सीखने की बजाय अपने एक्सपीरियंसेस थ्रो करना शुरू कर देते हैं। और जैसे गूगल में होता ना AI, वो आप 4 बार अगर टाइप करोगे सूरज किधर उगता है, सूरज किधर उगता है, सूरज किधर उगता है, तो अगली बार जब आप जैसे सूरज डालोगे ना तो किधर उगता है नीचे अपने आप सजेशन में आ जाएगा, पहला सजेशन वही होगा। ऐसी हो जाती है लाइफ मिड लाइफ के आसपास। लेकिन उसके पहले क्या करना है सो दैट हमारी मिड लाइफ या आगे की जिंदगी जो है बेटर हो, उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए सीढ़ी रिलेशनशिप समझ में आया। अब जहाँ रिलेशनशिप है, वो मेरे यू नो क्लास में एक लड़का था, उसके
बड़ी फैमिली थी, उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी एक्चुअली, इनफैक्ट बड़ी फैमिली मेरी भी है लेकिन उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी। तो उसके पिताजी जो हमेशा बोलते रहे, अरे चार बर्तन जहाँ होंगे टुन फुन तो होती रहेगी, अपना काम पे ध्यान दो, मतलब बड़ी ठेठ ऐसी आवाज़ में बात करते थे वो। तो उन्हीं सारी चीज़ों की बात अगर हम करें कि चार बर्तन जहाँ रहेंगे ना, रिलेशनशिप जहाँ रहेंगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो खटर पटर होनी है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये खटर पटर कैसे एड्रेस करी जाए। एक एग्जाम्पल जो है मैं ये देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है, एक जो अपने पिताजी से बड़ा परेशान है। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, उस उम्र में सब लोग अपने पिताजी से परेशान होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है स्पेशली अगर हम बात करें लड़कों का, तो इट मे बी यू नो ऐसा लग रहा होगा कि बायस्ड है लेकिन होता है, मेरे साथ तो वही है। सो जो ये युवक है, इसकी परेशानी ये थी कि इसको बनना था लॉयर और इसके पिताजी चाहते थे कि वो UPSC की तैयारी करें। इसमें कहीं से कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक का एम्बिशन है, दूसरे का एक्सपीरियंस है। क्योंकि उसके पिता जो है खुद एक लॉयर हैं, बोले कि यार मैं नहीं कर पाया तो मुझे लगता नहीं कि तुम कर पाओगे, और इससे अच्छा है कि तैयारी करो और तुम्हारे हाथ में उम्र है, करो ये करो वो करो। बट उस लड़के को बिल्कुल नहीं करना है, उसको पता है कि वो नहीं बन सकता है। तो अब इस चीज़ को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि रिलेशनशिप इस तरह से इकट्ठे हो गए कि मतलब करीब एक डेढ़ साल से वो आई टू आई बात नहीं कर रहे हैं और यू नो एक दूसरे को देखते तक नहीं है। ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरे मुझे समझते नहीं है, ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये एक बड़ा एक सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। हाँ, और आप भी अगर याद करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, आए ही हैं, ठीक है। हम तो वो जनरेशन है यार, हम तो वो देश हैं जब मतलब आज तो बहुत चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं। मेरी वाइफ अब तो नहीं करती, लेकिन मेरी माँ तो मतलब अगर मैंने कुछ गलती करी है, वो कभी नहीं देखती थी कि उनके हाथ में क्या है, चप्पल है तो चप्पल, बेलन है तो बेलन, जो भी है उड़ता हुआ एकदम फ्लाइंग आता था और कहाँ आके लगेगा पता नहीं। सो हम ऐसे जनरेशन में पैदा हुए हैं, तो ठीक है, मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट दैट, बट दर्द होता था यार, चोट लगती थी। ये खटास जो है वो क्यों है? सो व्हेन दिस गाई कनेक्टेड मी, सेड दैट भाई मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज़ से, मेरे पिताजी सुनते नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, पहली चीज़ तो तुम ये सोचो कि वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे एक शुभचिंतक हैं। दोनों तरफ से सोचो, वो तुम्हारे एक शुभचिंतक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। एंड देन चीज़ों को डाइसेक्ट करो कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसको समझ में आया, अरे यार प्रोबेबली उनका जो है प्रोफेशन है, वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और ही हैज़ नॉट बीन एबल टू। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे नहीं बनाए या परिवार नहीं बनाया, सब कुछ चलाया भाई, बच्चे को भी तो पढ़ा लिखा के बड़ा किया ही, सारी चीज़ें पूरा परिवार चल रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, तो मेरे बेटे को ये नहीं करना चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। नाउ बेटे को ऐसा लगता है क्योंकि वो उनको रोल मॉडल मानता आया है, उसने उनको देखा है सारी जिंदगी, एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, प्रोबेबली हिज कंपनी और वॉट एवर, एंड उसको लगता है कि मैं यही करूंगा, उसको नहीं बनना है IAS IRS ऑफिसर, नहीं बनना है उसको। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप चीज़ों को और ख़राब करता है। नाउ कम्युनिकेशन गैप से यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक टाइप का रिलेशन हो गया और उस उम्र में होता ही है। दूसरे टाइप के जो रिलेशन होते हैं मिड एज से पहले, वो होते हैं स्पाउस के रिलेशन, या यू नो जब दो परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं उस टाइप के रिलेशन। यार मैं क्या बोलूँ, इतने सारे बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मतलब टीवी सीरियल की ना इंडस्ट्री चल रही है, सास बहू और इन सारी चीज़ों पे, मतलब कितने लोगों का घर चल रहा है। बट आप ये देखिए कि ये जो मतलब एक कई सारे करेक्टर, लेट मी नॉट नेम इट, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी या माता पिता या कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशनशिप देख लीजिए, उनके बीच में ना कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। प्रॉब्लम जो होती है तब शुरू होती है जब कोई तीसरा आता है जो अपनी नज़रिए से जो है दुनिया दिखाने की कोशिश करता है, राइट। और हर फैमिली में ना ऐसे भैया भाभी दीदी जीजा जी फूफा जी मिल जाएंगे, हर फैमिली में मिलते हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप, देखिए कन्फ्लिक्ट होंगे, जैसा मेरे दोस्त के पिताजी बोलते थे, बर्तन हैं साथ में आवाज़ आएगी, कन्फ्लिक्ट होंगे, बड़ा नेचुरल है वो। लेकिन जब आप उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो ना, तो उसके बाद आप एक बेहतर रिलेशनशिप बनाते हो, बेहतर इंसान भी बन जाते हो। सो अंडरस्टैंडिंग कि इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, अभी जैसे इस व्यक्ति का जो है अपने पिताजी के साथ बात नहीं हुई या बात नहीं बनी, क्या सबसे पहला काम क्या किया उसने, उनसे बात करना बंद किया।
कम्युनिकेशन गैप कभी मत कीजिए। जहां आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ ना, वहां जो कम्युनिकेशन है उसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, फिर आप डिफरेंटली सोचने लगते हो, फिर आपको लगता है कि ये मेरे अगेंस्ट है या मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे से नहीं समझ रहा, वो मुझे नहीं समझ रहा है। एंड दूसरी चीज, फिर आते हैं तीसरे लोग जो आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं करते हैं, बड़ा करते हैं अपने फायदे के लिए। एक बार चाय पीते पीते मेरी वाइफ ने बड़ी बड़ी मज़ेदार बात बोली थी और मुझे मतलब सच में मुझे यहाँ छप गई है। वो क्या है, उन्होंने ऐसे ही किसी चीज़ पे रेफर किया था कि शर्मा जी जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता ना तो लोग गेम खेलते हैं बस। और अगर हम इस चीज को रिलेट करके देख लें उससे, 100% ये होता है, जब आपका कम्युनिकेशन आसपास के लोगों से नहीं होगा ना तो लोग गेम खेलना शुरू कर देंगे। इसीलिए कीप कम्युनिकेटिंग। दूसरी चीज, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो मैं कम्युनिकेशन बंद करूंगा, दूसरा उसके बारे में किसी और से बात करूंगा। ये काम मत कीजिए, जिससे प्रॉब्लम है ना उसी से बात कीजिए, क्योंकि तीसरा आपकी तीसरे को पता ही नहीं है ना, तीसरे ने तो एक दर्शक की तरीके से देखा है, आप तो किरदार हो, आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां शुरू हुई, तो आपको आपने तो पूरी पिक्चर देखी है, उसने तो सिर्फ एक क्लिप देखी है, उस क्लिप के हिसाब से अब वो जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग आप पे थोपना शुरू करेगा, वो मत होने दीजिए। जिससे प्रॉब्लम है ना उससे बात कीजिए, साफ साफ बात कीजिए, बोल भाई क्या प्रॉब्लम है। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। भाई अगर गलती है आपकी तो एक्सेप्ट कीजिए, माफी मांग लीजिए, और अगर गलती नहीं है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए और उस व्यक्ति से बोलिए कि तू समझ एंड बाकी तेरी मर्जी, सो दैट यू डू नॉट लिव अंडर एनी गिल्ट। एंड कई रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वायलेंस हो जाते हैं, तो उनको जो है उनके तरीके से हैंडल कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यू नो संस्थाएं ऐसी जो हेल्प करती हैं, आप किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, अगर तनाव में हैं उसकी वजह से अपना जीवन खराब कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ऐसे में जब आपको बिल्कुल ना समझ में आए ना कि क्या करना है, रिलेशन खराब हो रहे हैं या खराब हो गए हैं, किसी न्यूट्रल व्यक्ति से बात कीजिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया, उससे बात कीजिए और आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। और या तो फिर ढूंढिए अपने आसपास कोई ना कोई तो ऐसा आपका मेंटोर या पुराना कोई व्यक्ति होगा जो आपको पर्सनली उस तरीके से नहीं जानता हो और आपको अनबायस्ड नॉन बायस्ड काइंड ऑफ सजेशन दे सके। भाई मेरे इतने सालों का अनुभव यही है कि दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, हर ताला जो है ना किसी न किसी चाबी के साथ बना है, और उस ताले को चाबी से जो कनेक्ट करता है वो चीज़ है कम्युनिकेशन। बात करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब रुक जाना नहीं है, चलते रहना है, कम्युनिकेशन को भी जारी रखिए और देखते रहिए हमें ऑन क्लिक इंडिया। मेरा नाम है विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर, एंड अगर आपको लगता है कि मैं किसी काम आ सकता हूँ आपके, और आपको अगर मुझ तक पहुँचना है तो थोड़ी सी उंगलियों को तकलीफ दीजिए, टाइप कीजिए गूगल बार में विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर, और बहुत तरीके मिल जाएंगे आपको मुझसे कनेक्ट होने के। एंड आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ बताना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, और हम मिलते रहेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।